हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने देखिए गेट 2021 बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 मतलब 2021 जस्ट एक साल पहले बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, न्यूमेरिकल एंसर टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेवन वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन ऑफ द फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज। तो सीधे सीधे फ्रोबेनियस मेथड आ गया, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। आपको वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि बस आपको इंडिशियल इक्वेशन तक ही जाना है। देखिए यही पे पूछ रहा है ना, इंडिशियल इक्वेशन कि जो रूट्स होंगे उनका सम, बस। तो चलिए मैं प्रॉपर सोल्यूशन करने की कोशिश करूँ। जो मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेवन वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। आप कंपेयर करिए ऑन कंपेयरिंग विद जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा हुआ था, पी जीरो एक्स वाई डबल डैश शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए जब कंपेयर करेंगे तो पी जीरो एक्स जो मेरा है वो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं जानता हूँ सिंस पी जीरो जीरो, एक्स इजकल टू जीरो रखेंगे, ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इजकल टू जीरो इज अ सिंगुलर पॉइंट, अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ क्या, अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहली चीज, फ्रोबेनियस मेथड कब लगता है, जब ये x इजकल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाए, x इजकल टू जीरो जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाए। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए जो आपका डेफिनेशन था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे वो भी देख लीजिए। यहाँ से देखिए इस फॉर्म में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपली क्या है, जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उससे डिवाइड करिए ना, और इस फॉर्म में लिखना है, इस पे भी मैं आऊंगा, बट सिंपली क्या है, पहले डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए पहले मैं डिवाइड कर, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन, ये नाइन है, नाइन अपॉन एक्स प्लस सॉरी एक्स और यहाँ पे वन प्लस क्या है, नाइन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइड करेंगे दिस वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना, जो थ्योरी में हमने देखा था बुक में, बुक का जो मैंने लैंग्वेज बताया था कि पहले आप इस फॉर्म में लिखिए और उसके बाद ये जो है पजेजेस ऑल डेरिवेटिव्स इन द नेबरहुड ऑफ दिस। तो आप अगर और बुक पढ़ें, मैं ये जो लिखा हूँ ये आपका सिंपल सी बात, मैं बी एस अग्रवाल सर की बुक से ये लिखा था, लेकिन आप और बुक्स देखें, फॉरेन ऑथर्स की बुक देखें, तो ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे पजेजेस ऑल डेरिवेटिव ना लिख के वो क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू ए पे ये जो q1 q2 है ना वो क्या हो जाए फ्रेंड्स, एनालिटिक हो जाए। एनालिटिक वाला थोड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कैसे, ध्यान दीजिएगा, एनालिटिक हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि एनालिटिक कब होता था, खास करके पॉलिनोमियल्स फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिक कब होता था, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम चेक करते थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे चलता हूँ, जब हम चेक करते थे कि ये एनालिटिक नहीं है, मतलब वो पॉइंट जो इसका सिंगुलर पॉइंट है, तो क्या करते थे, आप उस पॉइंट को रखते थे ना, मतलब जैसे मान लीजिए x इजकल टू ए, तो उस फंक्शन में मैं ये x इजकल टू ए क्या करता था, रख देता था ना सीधे सीधे, और ये इन्फिनिटी हो जाता, तो मैं बोलता था कि x इजकल टू ए जो है उसका सिंगुलर पॉइंट है, खास करके पोलिनोमियल के केस में। और पोलिनोमियल क्यों,
ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हम लोग यही करते थे, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जहां पे जीरो हो जाता था वही तो सिंगुलर पॉइंट होता था, याद करिए। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है, ये जो बी एस अग्रवाल सर की बुक में लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। हमें एनालिटिक शो करना है, डेरिवेटिव ऑफ और ऑर्डर, मतलब हम सिंपली क्या करें, एनालिटिक शो कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या जीरो, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू ए पे। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इस फॉर्म में लिखे है ना दिस और ये, तो मैं क्या करूंगा इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी हो गया, ये ओवरऑल क्वांटिटी है इस फॉर्म में आपको लिखना, मतलब ये क्वांटिटी हो गया डिवाइड करने के बाद। अब इसी पे मैं इसी क्वांटिटी से देखिए एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करूं, देखिए इस ऊपर वाले को एनालिटिक होना है, मतलब यहां से प्रॉब्लम हो सकता है। एक्स माइनस ए से ये पूरी क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पोर्शन गया, बचा ये, देखिए वही तो वो बोल रहा है ना कि इसको Q1 और Q2 को जो है आपको एनाल्टिक होना चाहिए। तो ये Q1 अल्टीमेट देखिए आ गया, अब इस पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो लगा दूंगा अगर ये फाइनाइट आ जाता, तो दैट मींस उसी तरीके से Q2 में क्या करूंगा, देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ पे जब Q2 की बात करूंगा तो यहाँ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, समझ में आ रहा कि नहीं। और ये फाइनाइट क्वांटिटी अगर लिमिट आ जाती है तो हम सीधे बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है, मतलब ये Q1 Q2 जो है वो क्या हो जाता है, एनालिटिक हो गया, मतलब x is equal to 0 क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज आप याद रखिए, हमें अब अपने आप को थ्योरी से हटना है, प्रैक्टिकली सोचना है जहां पे हमें आसान कैलकुलेशन में आसानी हो। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा इसके बाद, अब जब यहां पे मेरा एक्चुअल ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा होगा, जहां पे p0 x x is equal to 0 पे 0 था, मैं इससे डिवाइड किया होगा तो पी वन एक्स बाई पी जीरो एक्स, ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे थ्योरी में वो ओवरऑल ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन मेरा ओवरऑल वही है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करने के बाद जो ओवरऑल फंक्शन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, पहले वाले में यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एक्स, जैसे मैं बता रहा था ना एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करिए, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स, और यहाँ पे जो भी आएगा वो आ रहा होगा पी वन एक्स अपॉन पी जीरो एक्स, यही आ रहा होगा ना, ये अगर ये फाइनाइट आ जाए। उसी तरीके से Q2 में क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और लिमिट फाइनाइट आ जाए, मतलब जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और उस केस में एक्स इक्वल टू जीरो मेरा क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। बस अब मैं उसी चीज को आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे आप अप्लाई करेंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब ये मेरा पूरा पोर्शन, अगर मैं बोलूँ ये पोर्शन, तो ये मेरा प्रैक्टिकली क्या होगा, यहाँ पे जो P1 था, P1 डिवाइडेड बाई P0, यही था ना। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंस अब देखिए लिमिट में निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x से मैं मल्टीप्लाई कर, अब देखिए लिमिट निकालूंगा, x x से कैंसिल आउट हुआ, लिमिट मेरी x टेंस टू जीरो पे आ गया 9, जो कि नॉन, ये मतलब इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट है, से मैं बोलूं ये फाइनाइट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालूंगा, सो लिमिट x टेंस टू जीरो x स्क्वायर और ये पूरी क्वांटिटी 7 अपॉन x 1 प्लस x स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ एक x x से कैंसिल हुआ तो अल्टीमेट ये मेरा जीरो आ गया, ये भी फाइनाइट हो गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, वो qx q1 और q2 निकालना थ्योरी में जो मैं बताया था बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, सिंपली क्या करिएगा इससे डिवाइड करिएगा, जैसे ये आ गया यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिमिट, अब यहाँ पे चूंकि ये माइनस था तो मैं माइनस भूल गया, माइनस कर दिया, माइनस 9 फाइनाइट, यहाँ पे जाइएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कभी एक्स इक्वल टू जीरो ना हो के एक्स इक्वल टू वन मेरा फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन लगाएंगे और यहाँ पे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलिए तो जनरली हमें एक्स इक्वल टू जीरो पे ही निकालना होता है, मैंने दिखाया कि ये फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, x is equal to 0 is a regular singular point, ठीक है।
अब फिर यहां से मैं एक बार इस पूरे प्रोसेस को बताता हूं, क्योंकि गेट में बार बार क्वेश्चंस यही से पूछ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, वहां से पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट मेरा सिंगुलर पॉइंट है। अभी सिंगुलर पॉइंट है, फ्रोबेनियस मेथड लगाना है, तो मुझे जो सिंगुलर पॉइंट है उसको रेगुलर सिंगुलर होना चाहिए। रेगुलर दिखाने के लिए आप करेंगे क्या, d2y by dx स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ना, उससे पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर, dy by dx का जो कोफिशियंट है पूरा ये, इसको एक से मल्टीप्लाई करके और लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर 0 सिंगुलर पॉइंट है तो, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाएंगे और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 लगाएंगे। समझ में आ गया? और ये करने के बाद लिमिट फाइनाइट आ जाएगी, ठीक है ना, दोनों में। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों अगर लिमिट फाइनाइट आती हैं, ये जो है पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर कोई भी एक लिमिट इंफिनिटी आ जाएगी तो ये रेगुलर नहीं, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब मेरा प्रोसेस क्या है, सोल्यूशन मैं सीरीज फॉर्म में मानूंगा। तो अब चलिए मैं अब एज्यूम करता हूँ लेट, अब फ्रोबेनियस मेथड लगा रहा हूँ, तो लेट वाई इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एम एक्स टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है ना, इसको इक्वेशन वन लिख लीजिए, बी इट्स सोल्यूशन, बी इट्स सीरीज सोल्यूशन, ठीक है ना, इट्स सीरीज सोल्यूशन। अब क्या करना होता था, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आसान है, एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एम प्लस एन एक्स टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, समेशन एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन एम प्लस एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एम प्लस एन माइनस टू, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर, पहले तो इसको 4 लिखिए, इसको 3 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए, और जो मेरा एक्चुअल इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब क्या था फ्रोबेनियस मेथड, वाई डी वाई और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को उठा के इस इक्वेशन 1 में रखना होता है, बाई पुटिंग वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन 1 वी गेट। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, क्या है एक बार मैं यहीं पे लिखता हूँ, 1 क्या है x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पे है, तो ये समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन, इसको देखिए यहाँ पे m प्लस एन और यहाँ पे m प्लस एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एम प्लस एम माइनस डी, ये हो गया। अगला क्या है, माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, रखेंगे सीरीज एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एम एम प्लस एम एक्स टू दी पावर एम प्लस एन माइनस 1 प्लस 7y प्लस 7y, y की वैल्यू ये है, सीरीज एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एम एक्स टू दी पावर एम प्लस एट और दिस इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, प्लीज चेक करिए, यहां तक रख दिया आपने। अब देखिए, अब इसको प्रोसेस कर, हमें क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स, तो पहले इंडिशियल इक्वेशन। अब इंडिशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म जो जो कोफिशियंट होगा ना, उसी को हमें क्या करना है, इक्वेट करना 0 के। अब चलिए यहां से जरा इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करिए, x प्लस एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा, समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन एम प्लस एन एम प्लस एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एम प्लस एन माइनस 2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, माइनस 9 समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन एम प्लस एन एक्स टू दी पावर एम प्लस एन माइनस 1 प्लस 7 समेशन एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू 0।
ये फ्रेंड्स एक से पहले मल्टीप्लाई करिएगा, कभी गलती मत करिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा। पिछला क्वेश्चन ऑर्डिनरी पॉइंट वाला भी किया था, तब भी मैं बताया था पहले एक्स को, जब पहले एक्स को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या होता है ए एन एम प्लस एन एम प्लस एन माइनस वन, और जब एक से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ प्लस वन आएगा, तब एक्स टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस। अब एक्स क्यूब को करेंगे, जब एक्स क्यूब से करेंगे इसी में यह आ जाएगा ए एन एम प्लस एन, यहाँ पे एम प्लस एन माइनस वन एक्स टू द पावर। अब देखिए प्लस थ्री जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस एन प्लस वन, ये चेक करिए। और बाकी नाइन एज इट इज लिखिए, समेशन एन इसका टू जीरो से इंफिनिटी ए एन एम प्लस एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन। और बाकी ये एक टर्म बचा हुआ है सेवन, समेशन एन इजकल टू जीरो से इंफिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन दिस इजकल टू जीरो। अब देखिए इंडिशियल इक्वेशन कैसे निकलता है, सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म। अब आपको वो चेक करना है ना कि लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, बस एन इजकल टू जीरो हर एक टर्म में पुट करते जाइए, हर एक सीरीज में। जब एन इजकल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक्स के पावर एम माइनस वन होगा, यहाँ से जो सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म होगा वो एक्स के पावर एम माइनस वन, एन इजकल टू जीरो रखिए। यहाँ पे जब एम इजकल टू जीरो रखेंगे सॉरी एन इजकल टू जीरो, तो यहाँ पे जो आएगा एक्स के पावर एम प्लस वन, यहाँ पे जब आप रखेंगे एन इजकल टू जीरो तो यहाँ पे आएगा एक्स के पावर एम माइनस वन, जब रखेंगे एम इजकल टू जीरो तो आएगा एक्स के पावर। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म कहाँ से आएगी, यही मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी होता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म निकालना है। तो ये सीरीज जो रन कर रही है वो एन इजकल टू जीरो से, मतलब जब मैं एन इजकल टू जीरो रखूंगा ना हर एक सीरीज में, तो जो आएगा एक्स के पावर वो सबसे छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह एम 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 तो वो फिक्स है। तो एन इजकल टू जीरो यहाँ पे रखेंगे तो एक्स के पावर एम माइनस वन, यहाँ पे x के पावर m प्लस वन, यहाँ पे x के पावर m माइनस वन, यहाँ पे x के पावर m। सो सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या हुआ, इसको मैं ग्रीन करता हूँ ताकि इन फ्यूचर फ्यूचर के लिए आपको बड़ा ये समझ में आए कि कैसे करते हैं इंडिशियल इक्वेशन कैसे निकाल। ध्यान दीजिए इंडिशियल इक्वेशन यहाँ और यहाँ से समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, अब चलिए तो क्या होगा, बाई बाई इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म यहां पे क्या है वो एक्स के पावर एम माइनस वन टू जीरो, वी गेट इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल इक्वेशन एज फॉलोज, एज क्या होगा, चलिए एक्स की पावर एम माइनस वन, मतलब क्या कर रहा हूं एन इजकल टू जीरो, तो यहां से एन इजकल टू जीरो रखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा n इजकल टू जीरो रखेंगे तो m, यहाँ पे n इजकल टू जीरो रखेंगे तो ब्रैकेट में m माइनस वन, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो a जीरो, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे भी n इजकल टू जीरो रखिए, यहाँ देखिए माइनस n है, इसको लेना मत भूलिए, तो यहाँ से माइनस नाइन, ये माइनस नाइन है, n इजकल टू जीरो रखेंगे तो केवल m बचेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन एम, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो a जीरो और दिस इजकल टू जीरो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम, लिख लीजिए यहाँ से माइनस नाइन एम और यहाँ से ये ए जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिएगा सिंस ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो इंडिशियल इक्वेशन यहाँ से आ, देखिए अब ये आ रहा है इंडिशियल इक्वेशन, क्या आएगा दिस इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर और नाइन और वन कितना जाएगा माइनस टेन एम दिस इज इक्वल टू जीरो, यही मेरा इंडिशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके रूट्स आ जाएंगे तो m कॉमन ले लीजिए, m माइनस टेन दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहा है जीरो और टेन, प्लीज चेक करिएगा। तो रूट्स हमने इंडिशियल इक्वेशन का जीरो और टेन निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स, सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो सम क्या हो जाएगा, मान लीजिए एम वन प्लस एम टू, एम वन मेरा जीरो है, एम वन मेरा जीरो है, एम टू मेरा टेन है, इसका सम क्या हो जाएगा टेन, तो आपका आंसर जो होगा फ्रेंड्स टेन। मैंने आंसर की चेक किया तो यहाँ पे लिखा था टेन टू टेन, ऐसे ही लिखते हैं ना आंसर, वहां देने का तरीका, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया टेन। कितना आसान था फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्या अलग किया जो आपके समझ में न आया, फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को बताऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंडिशियल इक्वेशन निकालना,
यहाँ पे दो नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा। पहला कि जब सिंगुलर पॉइंट को रेगुलर प्रूव करना है ना, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो, आप कुछ मत करिए, पहले तो कंफर्म हो जाइए कि एक्स इक्वल टू जीरो इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब इसी से डिवाइड कर दीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करिए, यहाँ पे आ जाए। अब मुझे ये दिखाना है, फ्रोबेनियस मेथड तभी हम लगा पाएंगे जब एक्स इक्वल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। फ्रेंड्स रेगुलर होने के लिए मैं क्या दिखाऊंगा, जो थ्योरी पोर्शन था उससे बिल्कुल हटके एनालिटिक दिखाना है। तो ये जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करके लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निकालिए, y के कोफिशियंट में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिमिट x टेंड टू जीरो निकालिए। अगर ये दोनों लिमिट्स फाइनाइट आ जाए तो x इक्वल टू जीरो मेरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। कोई भी एक लिमिट अगर इन्फिनिटी आ जाती है प्लस या माइनस, तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, और उस केस में हम फ्रोबेनियस मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया था तो आप एक्चुअल एग्जाम में ये सब न लिख के सीधे आप प्रोसीड कर जाते यहां से, इतना कैलकुलेशन आपका, इतना जो था ना ये पूरा मतलब पूरा इतना आपका बच जाता, बट फिर भी सेम पोजीशन रखने के लिए आप ये कैलकुलेशन किए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन मैंने ज़ूम किया इस फॉर्म में, यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स। दूसरा चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी पॉइंट में भी यही बताया, आप इस फॉर्म में लिखें और इसी फॉर्म में लिख के कैलकुलेशन करने की आदत डालें। dy by dx निकाला, d2y by dx स्क्वायर निकाला, उठा के इन सब वैल्यूज को इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने रख दिया, और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है अलग अलग सीरीज फॉर्म में आप लिख लीजिए। इनिशियल इक्वेशन क्या होगा, सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म, m देखिए फिक्स होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। n हर एक टर्म में, हर एक जो सीरीज है उसका पहला टर्म क्या होगा, इक्वल टू जीरो के करेस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू जीरो, यहाँ ये जो लिखा है ना इसमें रख दीजिए, और यहां से देखिए कि क्या क्या आ रहा है x का पावर, इसमें सबसे छोटा क्या होगा, वो x टू द पावर m माइनस वन, इसी के कोफिशियंट को हमें क्या करना है, जीरो इक्वेट करना है इनिशियल इक्वेशन निकालने के लिए। एन इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखेंगे, जो आया इतना आया, एन इक्वल टू जीरो यहाँ से रखेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे x टू द पावर m माइनस वन होगा, दिस इक्वल टू जीरो। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो a जीरो, तो चूंकि ये कॉन्स्टेंट है ना, ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो, इतना पोर्शन मेरा जीरो होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिशियल इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिशियल इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक ना के क्यूबिक आ जाता, मतलब आपका कैलकुलेशन गलत हो रहा है। फ्रेंड्स प्लीज वापिस जाके कैलकुलेशन को चेक करिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है कि हमेशा, मैंने आपको डिस्कस किया, इंडिशियल इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक आए। ये आ गया क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, इनिशियल इक्वेशन के रूट्स का सम, मैंने निकाला मेरा एक रूट m1 जीरो, m2 मेरा क्या आ गया 10, इन्हीं का सम पूछ रहा है, 10 मेरा आंसर आ गया। इतना आसानी से किया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अब एक अगला क्वेश्चन, होपफुली ये मेरा एफोर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल गेट का, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गेट का सबसे रिसेंट ईयर का क्वेश्चन 2022 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, ये फरवरी का क्वेश्चन है इसी ईयर का। अब अगेन यहाँ पे देखिए, सपोज फाइव वन फाइव टू आर एल आई सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, एंड फाइव वन जीरो इजकल टू जीरो, बोला है कि जीरो पे ये जीरो है पहला सोल्यूशन जो होगा, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट लिमिट दिस इक्वल टू जीरो इज, अगेन इस पे आप फोकस करिएगा, अगेन y डबल डैश का कोफिशियंट x स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो x इक्वल टू जीरो है वो मेरा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब वो चेक करिएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी होगा, और वहां से फिर कैलकुलेशन फिर वैसे ही पड़ेगा, लेकिन आप यहां पे जाके निकाल लेंगे कि क्या आएगा n की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्वेश्चन को फिर से मैं सॉल्व करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।